चलिए बात करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात कर लिया था आपसे, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात हो गई थी, हमारी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के बारे में हमारी बात हो गई थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे की तरफ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात करी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन डायोड। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड क्या है? पहला इसके अंदर आता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला इसके अंदर आता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसने कहा कि इट इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन इन करेंट, ठीक है, वेरिएशन इन करेंट थ्रू द डायोड, थ्रू द डायोड, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज, विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज, रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज, ठीक, व्हेन द डायोड इज, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक। इसने कहा ठीक है, इसने कहा डायग्राम उठा लो, देखो डायग्राम यहाँ से उठाते हैं हम लोग। क्या बोला इसने? इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप देखें, क्या लग रहा है आपको डायग्राम में? इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने ये देखा, यहाँ पे ये हमारे पास एक डायोड रखा हुआ है, ठीक, ये हमारे पास एक डायोड है, ठीक, ये हमारे पास एक एमीटर रखा हुआ है, ठीक, ये मेरे पास एक वोल्टमीटर रखा हुआ है, और ये तुम्हारे पास एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। क्या है तुम्हारे पास? ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, ठीक, और ये तुम्हारे पास क्या है? ये सप्लाई, ये तुम्हारे पास जो है एक्सटर्नल सप्लाई, ये एक्सटर्नल सप्लाई। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे ये हम लोगों ने एक बनाया तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, और ये भी पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ठीक, ये नेगेटिव हुआ, ठीक, ये नेगेटिव हुआ। तो इसने कहा कि डायोड इज इन, तुम्हारे पास व्हाट? डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड जो है वो पूरी तरीके से फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन पे आ गया। हमने कहा ठीक है, डायोड तो मेरा पूरी तरीके से फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन पे है। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि देखिए क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बात अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की करें, तो इन्होंने कहा सर कंस्ट्रक्शन के नाम पे इन्होंने कहा कि सर्किट इज शोन हियर, सर्किट इज शोन हियर इन विच द, इन विच द पीएन जंक्शन, इन विच द पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद, इन सीरीज विद एमीटर, कनेक्टेड इन सीरीज विद एमीटर एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ठीक, टू मेजर द
टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. देखिएगा, सर्किट इज शोन हियर इन विद द पिन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन मीटर एंड वोल्टमीटर इज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड, अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड. अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा है कि ये पोटेंशियल डिवाइडर एलिमेंट है, ठीक है, with the help of potential divider, ठीक है, with the help of potential divider arrangement here, with the help of potential divider arrangement here, ठीक है, potential divider arrangement की मदद से हमने क्या किया यहाँ पर. With the help of potential divider arrangement here, we can vary the potential difference across diode. ठीक, अब हम आपको कर्व दिखाते हैं. ठीक है, इस कर्व को आप देखिएगा और हमने क्या किया कि उस पर पोटेंशियल हमने वेरी किया. ठीक है, तो देखिएगा जरा कर्व को, हम आपको यहाँ पे कर्व दिखाते हैं. यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को देखिए, हमने यहाँ पोटेंशियल को वेरी किया. ठीक, और ये 0.1 रखा, इसे 0.2 रखा और इसे 0.3 रखा. ठीक है, जब तक तुम्हारे पास ओ से लेकर के ए तक, ठीक है, और ये तुम्हारे पास बी तक, जब तक हमने पोटेंशियल को वेरी किया, हमको ये पता है कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है तुम्हारे जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट होती है तुम्हारे सिलिकन के लिए, बस समझ लो सिलिकन के लिए. तो हमने कहा कि as we increased slowly, ठीक है, from v is equals to 0 to v is equals to 0.1, ठीक है, and then further to v is equals to 0.2, ठीक है, there occurs, ठीक है, stoppage of diffusion of majority charge carriers, इसने कहा कि ऐसा है कि जब मैंने बाहर से जो वोल्टेज बनाया, जीरो से पहले 0.1 किया, फिर 0.1 से 0.2 किया, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन रोक दिया गया है. ठीक है, अक्रॉस द जंक्शन, ठीक, एंड ड्यू टू विच जिसकी वजह से, ठीक है, देयर इज वेरी स्मॉल करंट, ठीक है, till voltage reaches 0.3 volt, ठीक, in germanium 0.7 volt in silicon. This portion is shown by OA, ठीक, which is
non-linear, which is non-linear. ये बात दिखाई गई है, ठीक। अब इसने कहा with further increase, इसने कहा with further increase in voltage, with further increase in voltage, ठीक, externally by बैटरी, एक्सटर्नली बाय बैटरी, ठीक है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, हम अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं एक्सटर्नली बाय बैटरी, ठीक है, देन आफ्टर वी इज इक्वल्स टू 0.3, ठीक, द करेंट इंक्रीजेस to a very high rate as diffusion of charge carriers, across junction is allowed. मतलब सीधा सा फंडा ये है कि E0 ने पहले जो है EI से हार मानी, V इज इक्वल्स टू 0.1 पे हार मान ली, 0.2 पे हार मान ली और 0.3 पे हार मान ली। लेकिन 0.3 पे मामला बराबर होते ही, जैसे ही 0.4 आया, 0.5 आया, 0.6 आया, 0.7 आया, 0.8 आया, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर दिया, ठीक है ना, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर दिया। ये कहलाता है तुम्हारे पास क्या, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, या आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में समझाना है। बस हमने अब देखिए, अब इसने क्या बोला, इसने कहा नेक्स्ट आता है आपका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर आप रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखें, ठीक, मैं आपको पहले एक डायग्राम और देना चाहूंगा, अब इस डायग्राम को भी ले लीजिए, ठीक। ये डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपका जो है जर्मेनियम दे रखा है, ये आपका तुम्हारे पास जर्मेनियम है, ये आपका जर्मेनियम का ग्राफ है, ये आपका सिलिकन का ग्राफ है, और ये आपके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिखाए गए, ठीक। ये तो आपका आ रहा है, ये VB 0.3 वोल्ट, ठीक, जर्मेनियम का दिखाया गया है, ये VB 0.7 वोल्ट द्वारा सिलिकन का दिखाया गया है। तो अगर आपसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो I और V में एक ग्राफ बना करके चले आइए, ठीक है। अब बात रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की करते हैं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में काफी बड़ा कंटेंट है, ठीक है, ऐसा क्यों है जरा देखते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, डायोड इज रिवर्स बायस्ड, then current is very small microampere and carried by minority charge carriers and carried by minority charge carriers। अब इसने कहा माइनॉरिटी चार्ज के देखा, इन्होंने कहा अ ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच, ठीक है, अ ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन करंट एंड
हमारे पास वोल्टेज ठीक व्हेन पीएन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, इज रिवर्स बायस्ड, ठीक सब कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही स्मॉल करंट कैरी किया जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के द्वारा, ठीक है। अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इन्होंने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तुम्हारे पास पी रीजन में, ठीक, और होल्स होते हैं तुम्हारे पास कहाँ पे, एन रीजन पे। इनके द्वारा जो करंट कैरी किया जाता है वो तुम्हारे पास बहुत ही स्मॉल होता है। हमने कहा ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है कि ये जो करंट कैरी किया जा रहा है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इन्होंने कहा कि दिस करंट, ठीक है, दिस करंट इज कॉल्ड, दिस करंट इज कॉल्ड, ठीक है, लीकेज करंट। ये करंट तुम्हारे पास जो है लीकेज करंट है और रिवर्स करंट है, और तुम्हारे पास रिवर्स करंट है और तुम्हारे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट है, और तुम्हारे पास क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था दिस करंट कॉल्ड लीकेज करंट और रिवर्स करंट और रिवर्स सैचुरेशन तुम्हारे पास करंट, ठीक। अब जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था ये, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है किसके है, ये है तुम्हारे पास डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन फॉरवर्ड बायसिंग, और ये हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पे रिवर्स बायसिंग। आपको ये बात पता है कि रिवर्स बायसिंग में जो तुम्हारे पास होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी पे तुम्हारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो होल्स एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, होल्स एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल थे तुम्हारे पास जंक्शन की तरफ जाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल थे जंक्शन की तरफ जाने के लिए, ठीक। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही इस बात का जिम्मा ले रहे थे कि सैचुरेशन करंट तुम्हारे पास फ्लो होगा, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सैचुरेशन करंट ये फ्लो होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दिया, क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया जरा समझिएगा इसको। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग डायग्राम ऐसे बनाए, ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड का अंडर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। इन्होंने कहा कि सर आप माइनस तुम्हारे पास 10, माइनस तुम्हारे पास 20, माइनस तुम्हारे पास 30, माइनस 50, ठीक है, ये तुम्हारे पास ले। अब जैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास किसके लिए कितनी होगी, ये होगी तुम्हारे पास 50 माइक्रो एम्पियर, ये किसके लिए होगी तुम्हारे पास जर्मेनियम के लिए, और ये होगी 20 माइक्रो एम्पियर तुम्हारे पास किसके लिए होगी, सिलिकॉन के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो रिवर्स बायस वोल्टेज जो तुम्हारे पास पीएन जंक्शन डायोड होगा, एक्चुअल में उसको कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है तुम्हारे पास वोल्टेज से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम तो चलिए ये बन जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूँ वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन आपका करंट जो है वो तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट आ रहा है, आपका करंट जो है वो तुम्हारे पास कैसा आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि क्या होगा, इन्होंने कहा कि रिवर्स बायस में तुम्हारे पास करंट कॉन्स्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा है। इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा यहाँ पे करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, करंट जो है वो वोल्टेज से तुम्हारे पास क्या है, लगभग इंडिपेंडेंट है। इन्होंने कहा द रिवर्स बायस वोल्टेज, इन्होंने कहा द रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है, कैन बी इंक्रीज ओनली अप टू, कैन बी इंक्रीज ओनली अप टू, कैन बी इंक्रीज ओनली अप टू द रेटेड वैल्यू। रिवर्स बायस वोल्टेज को आप किसी पर्टिकुलर रेटेड वैल्यू पे ही जाकर के बढ़ाइएगा, ठीक है, अदरवाइज द डायोड will enter into कहाँ पे एंटर कर जाएगा, एक ब्रेकडाउन रीजन पे एंटर कर जाएगा, ठीक है,
अदरवाइज द डायोड विल एंटर इनटू ब्रेकडाउन रीजन। इन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये तुम्हारे पास एक रेटेड वैल्यू है, ठीक है, आप इसको आप चाहे तो ब्रेकडाउन वैल्यू कह सकते हैं। अब अगर इसके ज़्यादा अगर आपने वोल्टेज किया यहाँ पर, अगर आप वोल्टेज लेकर के आए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इन्होंने कहा क्या गड़बड़ा जाएगा, इन्होंने कहा कि देखिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या है, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म, ये समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। भले ही ये तुम्हारे पास टॉपिक जीनर का हटा दिया गया है लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़ा सवाल आ सकता है, ठीक। अब इसने कहा कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या है, इन्होंने कहा कि इन द ठीक है रिवर्स बायस्ड कंडीशन, इन्होंने कहा इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन, ठीक है, ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इन्होंने कहा इन द रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ तुम्हारे पास पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, वेरी स्मॉल करंट इज कैरीड बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के द्वारा बहुत ही स्मॉल करंट तुम्हारे पास कैरी किया जाता है,